जिंदगी में भागम भाग है, दौड़ ही दौड़ है, 24 घंटे दौड़ जारी है। भौतिक जगत में जो भी दौड़ हो रही है उसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। अगर यह सूत्र आपकी समझ में आ जाए तो आपको सच्चे अर्थों में उस सूत्र की समझ ही आपके लिए ध्यान बन जाएगी। सूत्र का सार सिर्फ इतना है, इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, आप सिर्फ उपलब्ध रहो। बहुत भागने से बहुत नहीं मिलता है, सिर्फ उपलब्ध रहो। और जितना धीरे धीरे चलोगे उतना जल्दी मंजिल पे पहुंचोगे। ये बहुत अनुभव किया हुआ सूत्र इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने कहा है, अगर तुम धीरे धीरे चले तो मंजिल पे पहुंच जाओगे, अगर बहुत तेजी से दौड़े तो मंजिल पर पहुंचने के पहले ही थक के गिर पड़ोगे, चूर चूर हो जाओगे, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। और अध्यात्म जगत में तो मैं और भी इससे गहरे सूत्र का अनुभव कर चुका हूं। अध्यात्म जगत का सूत्र तो कहता है कि तुम जब चलना बंद कर दोगे तभी पहुंच पाओगे, वरना पहुंच ही नहीं पाओगे। और गहरा सूत्र, क्योंकि अध्यात्म जगत का सार यही है कि तुम्हारा स्वयं से संबंध निर्मित हो जाए। तुम स्वयं से टूटे हुए हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा चारों तरफ भागी हुई है, तुम स्वयं से पूरी तरह टूट गए हो। स्वयं से जुड़ जाना ही योग है, और जो स्वयं से जुड़ जाता है वही अस्तित्व से जुड़ जाता है। और स्वयं से जुड़ने के लिए, योग की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए, अस्तित्व से एक लय होने के लिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ सारी दौड़ छोड़ देनी है। न धरती फटने वाली है, न आसमान टूट कर गिरने वाला है। बट यू आर ऑलवेज इन हरी, ऑलवेज इन हरी, ऑलवेज इन हरी। यहाँ बैठे हो, और हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि चला तो आया यहाँ, वहाँ देखो धंधे में ये हो रहा होगा, घर में ये हो रहा होगा, अब बेचैन हो, ड्रॉप इट, कुछ नहीं होगा, टोटली ड्रॉप इट। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सब कुछ तो हो रहा है अस्तित्व में। देखिए, हमेशा एक बात कहता हूँ, इतने पशु पक्षी जानवर इस पृथ्वी पर हैं, जो काम तुम कर रहे हो वो सारा काम वो कर रहे हैं। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जितना काम तुम करते हो सारा काम वो कर लेते हैं। तुम क्या काम कर रहे हो? खाना खाना, पानी पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना और मर जाना। और इस पृथ्वी पे सारे प्राणी ये सारा काम कर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण भी कर लेते हैं और आराम से मर भी जाते हैं। वो बड़े सहज ढंग से ये काम कर रहे हैं, और तुम इतनी अशांति, इतना तनाव, इतना उपद्रव, 24 घंटे की है कह के धरती फटी जा रही, तनाव में हो, कह रहे हैं इतना तनाव में है, ध्यान कैसे करें? उनसे तो थोड़ी शिक्षा ले सकते हो, जानवरों से। इतना परमात्मा ने तुम्हें अद्भुत यंत्र दिया है, इसका तो तुम बिल्कुल उपयोग करते ही नहीं हो। द ब्रेन पावर, द माइंड पावर, इसका कोई उपयोग नहीं करते हो। और उनसे ये सीख लो कि ये सब अस्तित्व तो कर रहा है, सारा काम तुम्हारा अस्तित्व तो कर देगा। इस सत्य को जान लोगे तो तुम साक्षी हो जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेचैन कर देती हैं। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जानवरों का तो जीवन सहज है, उनको जो खाना चाहिए वही खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं। आप तो 1000 चीज़ें खाते हो, आपके भोजन में 1000 जहर मिल गए हैं, सारा चीज़ें गड़बड़ है। आपको वो गहरी नींद सो जाते हैं सारे जानवर, तुम्हारी नींद भी चली गई है, क्योंकि काम बहुत है, तरह तरह के बॉस हैं आपके, तरह तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, तरह तरह के ड्रामे हैं। तो आप के शरीर को शुद्ध सहज भोजन नहीं मिलता, आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रॉपर विश्राम नहीं मिलता,
इसलिए तनाव है, इसलिए नींद चली गई है। ध्यान के लिए जरूरी है कि शरीर में टॉक्सिन्स कम से कम हो, मस्तिष्क को चाहिए कि उसको विश्राम मिले, उसको गहरी नींद मिले और उसमें तनाव कम हो। इसलिए साक्षी के सूत्र को, साक्षी के सिद्धांत को समझने के साथ साथ थोड़ा आपकी जीवन शैली में जो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, ये तीन चीज़ें जरूर आपकी जीवन शैली का अंग होनी चाहिए। सम्यक आहार, खाना ठीक से खाओ, सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी कोई नहीं करता इसलिए आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, विश्राम कोई नहीं करता है, पर्याप्त विश्राम नहीं करता है इसलिए ब्रेन को भी विश्राम नहीं मिलता है, गहरी नींद नहीं मिलती। इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि मैंने अमोघ प्रेक्स के सहयोग से दो चीज़ें ग्रो इम्यून और प्रेक्स 400 मैंने बहुत मेहनत करके इनको पकड़ के इनसे बनवाई। पहले मैं खुद बनवाता था लेकिन ये बेचारे इन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से मेरे आग्रह पर इसको तैयार किया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे साक्षी मित्रों के लिए पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध कराने का उन्होंने संकल्प भी लिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको शरीर के तल पर और मानसिक तल पर स्वस्थ रखेंगी और ध्यान में गहरे ले जाने में सहयोगी होंगी। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम का ध्यान रखें और उसके साथ साथ इन दोनों औषधियों का भी नियमित रूप से प्रयोग करें। ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, पूर्णतया आयुर्वेदिक हैं, ये आपको दोनों तलों पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगी और ध्यान में गहरे जाने में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।